नमस्कार, मैं हूँ मोना श्री एस्ट्रो वास्तु से। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यह सबसे लंबा दिन होता है वर्ष का, और हम सभी अपनी दीर्घायु करना चाहते हैं योग के द्वारा, फिटनेस के द्वारा। और हम स्पेशली जो हम लेडीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर होती हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर। तो इस इंटरनेशनल योगा डे में इस बार की जो थीम है, बी विथ योग स्टे विथ योग, यानी कि आप योग करें और योग के साथ रहें एंड स्टे एट होम। क्योंकि अभी कोविड में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम घर पर ही रहकर अपने इस इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस इंटरनेशनल योगा डे को हम सेलिब्रेट घर पर रहकर ही करेंगे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको हम आज अपने खास मेहमान से मिलाएं, जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया। और पैशन उन्होंने किससे किया? नेचर के साथ। क्योंकि नेचर के साथ आपको जो भी मिलेगा वो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत नरिशमेंट होता है, ये हम सभी जानते हैं। और कौन नहीं चाहेगा कि हम अपने एज से 5 to 10 ईयर्स यंगर दिखना चाहें। तो आइए, चलिए मैं मिलाती हूँ आपको हमारे गेस्ट से। और ये है हमारी आज की गेस्ट, मिसेस नीलम गोयल। नमस्कार नीलम। नमस्ते मोना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो एंड लवली इंट्रोडक्शन इट वाज। और आपको देख के तो लग ही रहा है कि आपने, जैसे आपकी स्किन और हेयर को मैं जैसे देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि रियली आपने नेचर के साथ कुछ ना कुछ तो अपने आप में चेंजेस लेके आई हैं, और ये चेंजेस आप हमें भी बताएंगे। डेफिनेटली मोना जी, डेफिनेटली। नीलम जी, आप हमें बताइए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी एज से दे लुक्स यंगर एंड ओल्डर देन देयर एज, इज देयर हेरिडिट्री, और वो कुछ ऐसे उनका होता है, इस बारे में आप हाईलाइट कीजिए और हमें इसके कुछ टिप्स दीजिए। जरूर मोना जी। योर हेल्थ एंड स्किन रिफ्लेक्ट योर लाइफस्टाइल। अ गुड हेल्थ एंड अ गुड स्किन इज ऑल अबाउट हाउ डिसिप्लिन एंड हाउ कमिटेड यू आर टुवर्ड्स योर लाइफ, बॉडी, माइंड एंड नरिशमेंट। इफ दिस थ्री एस्पेक्ट्स आर बीन टेकन केयर, अगर आप ये तीन चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें तो डेफिनेटली यू लुक यंगर देन योर एज। जैसे कि फॉर योर बॉडी यू नीड टू हैव अ गुड एक्सरसाइज, और एटलीस्ट आप 6-6 सूर्य नमस्कार आप जरूर करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार वर्क्स राइट फ्रॉम योर हेड टू टो, इट्स फॉर द कंप्लीट बॉडी। एंड व्हेन इट कम्स टू माइंड, टू डिस्ट्रेस योर बॉडी एंड माइंड, you should always do pranayam and some breathing technique, which I think you will be telling us better. And for the nourishment, I would always suggest aapke diet ka 30% jo bhag hai wo hamesha usme protein hona chahiye, aur aap ek balanced diet lijiye aur apne aap ko hydrate rakhiye, drink ample of water, har aadhe ghante mein try kijiye ki aap aadha glass pani peete rahe, make it a habit. ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे आपने हमें बताया कि हमें अपने बॉडी को नरिशमेंट करने के लिए दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए, इट्स वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा नीलम जी, आप हमें ये बताइए कि हमारे, आप देख रहे हैं कि आजकल जो हो रहा है कि हमारी अर्ली एज में स्किन्स में बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, तो इसके क्या रीज़न्स है, इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि रिंकल्स के क्या कारण होते हैं। रिंकल्स होते हैं, हमारी मसल्स जो होती है वो वीक होने लगती है। मसल्स वीक होने के कारण एक सैगिनेस आ जाता है, स्किन झूलने लगती है और रिंकल्स आ जाते हैं। और इसके कई कारण हैं, सबसे जो मेन कारण है वो है एज। एज एजिंग, एज वी एज, आर स्किन बिकम्स लेस इलास्टिक एंड मोर फ्रेजाइल। हमारी स्किन में जो कोलाजन का प्रोडक्शन होता है, नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन होता है और पानी का प्रोडक्शन होता है, ये कम होने लगता है, जिसके कारण हमारी मसल्स वीक होने लगती है। तो और हमारी स्किन में बहुत ड्राइनेस होती है, और वैसे भी ड्राइनेस इज़ द फर्स्ट रीज़न फॉर योर रिंकल्स।
to cope up with this, we should drink ample of water to keep ourselves hydrated. And secondly, जैसे मैंने बताया, खाना food जो है बहुत बड़ा role play करता है. आप try कीजिए 30% protein आपके diet में हो. जैसे कि you should eat twice or thrice वीक में आप स्प्राउट लें, आप छेना लें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू शुड ईट एग्स एंड चिकन्स. इस तरह से आप अपनी डाइट पे ध्यान रखें, तभी आपकी मसल्स को ताकत मिलेगी. और सेकंडली, आप हर आधा घंटा में आधा ग्लास पानी पीने की हैबिट रखिए. एनी टाइम आप जब जहाँ भी जाते हो अपने साथ एक बॉटल रखो, तीन बॉटल आप भर के रखो, तीन या चार. एंड एवरी टाइम आप हैबिट डालो कि आप वो पानी को सिप सिप करके पीते रहें. तो ये हैबिट्स है जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. और एजिंग के साथ और बहुत कारण है. कभी कभी हम देखते हैं कि कैसे 30 साल का बंदा 40 से अब 40 साल का दिखने लगता है. तो और बहुत कारण है, जैसे कि यूवी रेज, सन की जो यूवी रेज होती है वो बहुत पावरफुल होती है, वो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है. तो हमेशा हमें सनस्क्रीन को, वी शुड ऑलवेज वेयर सनस्क्रीन. आप घर में हो, आप बाहर हो, ठंड है, गर्म है, एनी टाइम जब भी आप देखोगे उजाला है, यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन. उसके बाद और भी बहुत कारण, एक हमारा स्लीपिंग पोस्चर. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे यंग रिंकल फ्री फेस, ऑलवेज ट्राई टू स्लीप ऑन योर बैक. सीधा सोने की आप हैबिट रखें. जब हम साइड में इस तरह से सोते हैं तो हमारी काफ़ी फाइन लाइन्स, इस तरह से लाफ्टर लाइन्स, ये सब बहुत जल्दी आ जाती है. और कुछ हैबिट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर पीपल हैव दैट हैबिट ऑफ मेकिंग फेसेस. बहुत एक्सप्रेसिव होता है उनका फेस, कभी उनकी ये फ्राउन लाइन्स, कभी लाफ्टर लाइन्स, हमेशा बहुत एक्सप्रेसिव फेस होता है. और अगर आपका फेस ड्राई है और आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, तो आप 30 साल पहुँचते पहुँचते आपके फाइन लाइन्स आने शुरू हो जाएंगे. तो ऑलवेज ट्राई टू स्टे काम. और हमें हमेशा केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए. वी शुड यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स. और एक अच्छी स्किन रिजिम फॉलो करनी चाहिए, जैसे टोनर, गुड मॉइस्चराइज़र, सुबह सनस्क्रीन, रात को एंटी एजिंग क्रीम एंड अ फेशियल ऑयल. और वंस इन अ वीक यू शुड गो फॉर अ गुड स्क्रब एंड फेस पैक. इस तरह से जब आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप खुद आपको लगेगा कि आप अपनी उम्र से डेफिनेटली आप यंग दिखोगे. और कुछ फेशियल योगास जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत, आपने जैसे अभी नीलम जी हमें बताया कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ और मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी अपने स्किन में बहुत चेंजेस लग रहा है. पता नहीं आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट आई फील वेरी गुड. तो इनके प्रोडक्ट्स का तो मैं आपके प्रोडक्ट्स इज़ रियली वेरी गुड. और मैम आप एक बात बताइए कि जैसे हमारे ये स्किन में जो रिंकल्स आ जाती हैं, तो हम इनको कम करने के लिए कुछ आप हमें ऐसे फेशियल योगा टिप्स बताइए जिसे हम आराम से घर पर ही कर सकते हैं. जी मोना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कुछ इसके जो थंब रूल्स है वो बताना चाहूँगी कि जब भी आप फेशियल योगा करो, आप हमेशा अपने आपका स्किन ड्राई नहीं होना चाहिए. स्किन में आप कुछ बूंद ऑयल का लगाओ. एंड सेकेंडली, आप हमेशा स्ट्रेट बैठो. वैसे जनरली भी आपको, इफ़ यू वांट टू स्टे यंग, यू शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट. और अपने साथ पानी जरूर रखो. और सबसे बेस्ट टाइम जो होता है फेशियल योगा, वैसे तो आप कभी भी फेशियल योगा कर सकते हो. आप ऑफिस में बैठे हो, इवन आप व्हेन यू आर कुकिंग यू कैन डू फ्यू ऑफ योर स्टेप्स. लेकिन पर्सनली मुझे सबसे अच्छा टाइम लगता है सुबह का टाइम, क्योंकि उस समय क्या होता है, यू कैन ड्रिंक वाटर एज वेल. आपको जो दो तीन ग्लास पानी पीना होता है सुबह टू क्लीन योर सिस्टम, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन डू फेशियल योगा. तो मैं अब आपको बताना चाहूँगी, जब आप सुबह उठते हो, फर्स्ट थिंग यू शुड स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस. प्लेन पानी को आप अच्छी तरह से स्प्लैश करें, और वो पानी को आप कभी भी वाइप ना करें, क्योंकि रात में हमारा स्किन पूरी रात एक नेचुरल ऑयल पैदा करता है, तो उस ऑयल को हमें वाइप नहीं करना है. तो आफ्टर स्प्लैशिंग वाटर ऑन आवर फेस, वी जस्ट टैप आवर फिंगर ऑल अराउंड, जिससे कि हमारा पानी भी स्किन ऑब्जर्व कर ले और सेकेंडली नेचुरल ऑयल भी ऑब्जर्व कर ले. उसके बाद आप वार्म वाटर लेके बैठे, तो आपका एक पल दो काज होगा, आप पानी भी पी रहे हो और साथ में अपनी फेशियल एक्सरसाइज भी कर रहे हो. तो फ्रेंड्स, अभी नीलम जी हमें कुछ योगा, फेशियल योगा टिप्स दे रही हैं, तो हमारे साथ साथ आप भी करें, जिससे ये आपको भी प्रैक्टिस में हो जाएगा. सबसे पहले आप तीन बार इनहेल और एक्सहेल कर लें. Whenever we start yoga, we should always start with inhale and exhale to relax our body.
relax. Your exhales should always be double of your inhale. अब इसके बाद we'll start with our facial yoga. सबसे पहले हम palming करेंगे. And the first yoga we'll start with is squeeze pose. जब हम कुछ खट्टा खा लेते हैं तो किस तरह से अपना face को बनाते हैं ना, तो this is a squeeze pose. इससे हमारे tension release होते हैं. मुना जी आप भी हमारे साथ कीजिएगा. इससे हमारे tension release होते हैं और हम stress free हो जाते हैं. And it's very good anti-aging yoga also. So we'll be starting with the squeeze pose. Relax. हर एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगी आप 3 बार कीजिएगा उसका बेनिफिट लेने के लिए, और जैसे आप एक्सपर्ट बन जाओगे आप और अपना टाइम बढ़ा सकते हो. सो वी हैव डन फर्स्ट साइकिल, नाउ विल बी डूइंग अनदर 2 साइकिल सेम एज दिस. ओके, सो आई होप आप समझ गए स्क्वीज पोज से मुना जी. सो आफ्टर स्क्वीज पोज विल बी डूइंग योगा फॉर आवर फॉरहेड. आप अक्सर देखते होंगे जैसे हमारे फॉरहेड में 2 तरह की लाइन्स होती है. एक तो होती है पैरेलल लाइंस और दूसरी होती है फ्राउन. जब हम फ्राउन करते हैं ना तो लंबी वाली लाइंस, तो ये दोनों लाइन से हमें कैसे इस लाइंस को कैसे स्लो डाउन करना है. फर्स्ट विल स्टार्ट विल कीप अ 4 फिंगर्स ऑन अ फोरहेड. मुना जी इस तरह से आप अपने हम रखेंगे और अब हाँ जी एंड नाउ पुल इट डाउन. आप अपने 4 फिंगर्स को पुल इट डाउन एंड सी अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. इससे हमारी जो फॉरहेड की लाइंस होती है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है. सो वी हैव डन 1 सेट, विल बी डूइंग अनदर 2 सेट. 3 बार हर एक एक्सरसाइज हमें 3 बार करनी है, राइट? तो फर्स्ट है ये वाली फॉर योर फॉरहेड एंड नाउ फॉर योर फ्राउन लाइंस. ये जो लंबी वाली लाइन होती है उसके लिए व्हाट विल वी डू, वी हैव टू मेक फ्राउन वंस और विल बी यूजिंग 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर. वैसे आप देखिएगा पूरा टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी यूजिंग माई इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, क्योंकि दिस 2 फिंगर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम. ओके, तो हम इस तरह से फेस करेंगे, फ्राउन करेंगे एक बार एंड देन आई विल स्ट्रेच टिल द मिडिल ऑफ द आर्च. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. तो ये वाली मैंने 2 एक्सरसाइज आपको बताई. 1 is for the parallel line and other is for the frowning lines, जो frown करते वक्त जो लंबी lines होती हैं. दोनों हमको 3 बार करनी है. Now we are done with our forehead. ऐसे तो बहुत एक्सरसाइज हैं, मैं आपको easy वाली बताती हूँ जो आप अपना सकें. सो सेकंड आप आइज़ के लिए, यूजुअली आइज़ में हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, पफ़ी आइज़ होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं और हमारे ये क्रो फीट होते हैं और कभी सन्किंग आइज़ जो अंदर की ओर जाती है. तो आइज़ की मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताऊंगी एंड प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा. इट डेफिनेटली इट विल गिव अ वेरी गुड रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद अ वी पोज. अगेन मिडल फिंगर एंड द रिंग फिंगर. We are going to press this 2 points, आँखों के पास and then आँखों के अंत में जो point है उसको. And now we'll press it for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pull it down and see up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. ये भी एक्सरसाइज हमें 3 बार करनी है. मैं एक बार और बताना चाहूँगी सो डैट टू अवॉइड कन्फ्यूजन. हमारी अब सेकेंड एक्सरसाइज है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है. दिस इज़ ब्लिंकिंग आइज. ये हम 30 टाइम्स करेंगे एंड विल डू अगेन 3 साइकिल्स. तो 30, 30, 90 एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्लिंकिंग आइज. ये एक्सरसाइज जनरली सबके लिए अच्छी होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए. अभी इतने ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं और सब वर्क फ्रॉम होम, तो हम देखते हैं हमारे आँखों में अक्सर एक तना, एक खिंचापन रहता है, एक ड्राइनेस आने लगती है.
तो ये जो एक्सरसाइज है दिस ब्लिंकिंग आइज दिस इज जनरली फॉर ऑल एज, बच्चे भी छोटे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है ये एक्सरसाइज ब्लिंकिंग आइज। तो मोना जी ये ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं जनरली किचन में होती हूँ, कहीं भी होती हूँ, तो मैं कई बार दिन में तीन चार बार कर लेती हूँ। एंड नाउ वी आर डन विद द वी पोज एंड ब्लिंकिंग आइज, नाउ विल बी डूइंग बाइनोक्यूलर पोज। बाइनोक्यूलर, छोटे थे तो किस तरह से बाइनोक्यूलर से हम देखते थे ना, वो वैसा ही पोज है। सो दिस इज अ बाइनोक्यूलर पोज। योर मिडल आई मीन योर इंडेक्स फिंगर विल बी ऑन योर आईब्रो और योर थंब नीचे की तरफ रहेगा। एंड नाउ यू विल स्ट्रेच फ्रॉम बोथ द एंड्स, बोथ द फिंगर्स यू विल स्ट्रेच एंड देन यू विल क्लोज योर आइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ये भी हमें तीन का सेट करना है। और मोना जी ये मैं जो आपको आइज की एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये सिर्फ आइज के रिंकल्स को ही नहीं, बट इट हैज़ मेनी अदर बेनिफिट्स, लाइक इट्स वेरी गुड फॉर द माइग्रेन, फॉर द डार्क सर्कल्स, पफिनेस, बहुत इसके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं। ओके, अब आइज का एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ मेनली फॉर द दिस क्रो फीट जो बोलते हैं ना, जो लाइन्स आ जाती हैं हमारी यहाँ पे, उसके लिए। सो व्हाट विल वी डू, विल जस्ट स्ट्रेच स्किन आउट है और हम 8 बनाएंगे। 8 जो हमारा 8 नंबर होता है वो बनाएंगे। विल मेक इट फॉर 10 टाइम्स। रिलैक्स। अब आप इस साइड भी करें। रिलैक्स। जब भी आप योगा करें, आप अपने फेस में कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन ना दे, एंड यू शुड बी रिलैक्स एंड विद स्माइलिंग फेस, यू नो। तो वी आर डन विद आईज एक्सरसाइज। हमने वी पोज की, विल थोड़ा सा हल्का मीडियम प्रेशर से प्रेस करेंगे, विल पुल इट डाउन एंड वी विल सी अप। सेकेंड वॉज द ब्लिंकिंग आइज एंड थर्ड वी डिड द बाइनोक्यूलर, विल स्ट्रेच बोथ द फिंगर्स एंड क्लोज आर आइज। और थर्ड वी डिड वॉज लाइक हम अपनी ये स्किन को स्ट्रेच करेंगे और विल स्टार्ट मेकिंग 8। सो वी आर डन विद आईज का एक्सरसाइज। मोना जी, डिड यू फील द कंट्रैक्शन? नीलम जी, अभी मैं आपके साथ जब एक्सरसाइजेस कर रही थी तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, एंड मुझे इतने सा देर में ऐसे फील हो रहा था कि लाइक वेरी काम एंड मुझे एक रिलैक्स फील हो रहा था। तो हमको अगर इस एक्सरसाइज को हम अगर अपने डेली रूटीन में लाएँ तो आई थिंक हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बहुत विजिबल चेंजेस आप नोटिस करोगे। आप एक महीना करो, फिर आप खुद ही उस रिजल्ट से आप यू विल कैरी ऑन इन रेस्ट ऑफ योर लाइफ। या डेफिनेटली। और मैं सभी अपने व्यूवर्स से भी यही बोलना चाहूँगी कि वो ज़रूर इन एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफस्टाइल में लाएं और इसे बेनिफिट पाएं। सो मोना जी, अब वी आर डन विद द फोरहेड एंड आईज, नाउ वी विल बी डूइंग द चिक्स। अपनी जो चिक्स होती है ना, वो भी बहुत सैगी ऐसे झूलने लगती है। सो फॉर दिस व्हाट विल वी डू, वेरी इजी एक्सरसाइज। फर्स्ट विल डू अ बलून पोज। बलून पोज में यू हैव टू फिल एयर इनसाइड योर माउथ। व्हाट विल वी डू, रिलैक्स। दिस इज़ अ बलून पोज। आप जितना ज़्यादा हवा मुँह में रखोगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा और उतना ही आपका ऑक्सीजन का फ्लो होगा और उतनी ही आपके रिंकल्स कम होंगे। सो आफ्टर बलून पोज विल बी डूइंग शिफ्टिंग ऑफ द बलून लेफ्ट एंड राइट। व्हाट विल वी डू, रिलैक्स। तो विल बी डूइंग 10 काउंट्स एंड 3 साइकिल फॉर बोथ द योगास। नाउ अब हम जो थर्ड एक्सरसाइज करें, दैट इज फेवरेट ऑफ ऑल द यंग गर्ल्स, दिस इज पाउट पोज। हम पाउट करेंगे और उसको थोड़ा ऊपर की ओर करेंगे। हाउ विल वी डू, रिलैक्स।
मोना जी, ये जो भी एक्सरसाइज अभी हमने की है वो हमारी जो ये चिक्स जो लटक विद एज, यू नो देयर इज अ सैगिनेस, तो वो उससे हमें बचाएगी, मतलब इट विल स्लो डाउन. Okay. Yeah. तो इन सब चिक्स को करने से मतलब जो हमारे स्किन्स जो किस किस हम देखते हैं बहुत झूल रही, तो उसमें हमें बेनिफिट होगा. हाँ जी, आपके झूली हुई चिक्स में भी बेनिफिट होगी, आपके स्लो डाउन हो जाएगा एजिंग, एंड प्लस आप देखते हो ना किसी की बहुत ज़्यादा गाल फुले हुए रहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है. ओके, नाउ विल कम टू द लाफ्टर लाइन. ये जो हमारी लाइन्स होती हैं यहाँ की, ये विद एज बहुत प्रोमिनेंट होने लगती है, और स्पेशली विद द रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर. जैसे जनरली हम सोते हैं साइड की तरफ से, तो पूरी रात अब हमारी स्किन ऐसे रहती है, तो ये सब लाइन्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है. सो व्हाट विल वी डू, विल डू अ टीज पोज. छोटे में हम किस तरह से टीज करते थे ना, तो सेम एज दिस व्हाट विल वी डू, विल टीज, और फिर उसके बाद हम अपनी स्किन को स्ट्रेच करेंगे. हाउ विल वी डू, relax. Now this side. Relax. तो ये भी हमारी 10 सेट्स होंगी. आप 5 सेकेंड होल्ड करो अगर आपकी लाफिंग लाइन्स उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, और आप 10 सेकेंड होल्ड करो अगर आपकी लाफ्टर लाइन बहुत ज़्यादा है. आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जैसे ये बता रहे हैं वैसे ही आप करिएगा, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको कुछ ही दिनों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे. सो नेक्स्ट, आप हमारी जैसे जैसे एज होती है हर चीज़ झूलने लगती है. आईब्रोज ये जो ये आर्च है, ये भी नीचे की तरफ, यहाँ की भी आईज नीचे की तरफ, और ये जो मेन पोर्शन होता है ना लिप्स, ये भी इट स्टार्ट्स ड्रूपिंग. सो फॉर दिस विल डू अ स्पून एक्सरसाइज. तो इस ये हमारी स्पून एक्सरसाइज, दिस इज वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल. इससे हमारी मसल्स यहाँ की स्ट्रॉन्ग होती है. सो व्हाट विल वी डू, विल कर्ल आवर लिप्स इनसाइड एंड विल होल्ड द स्पून फॉर 10 सेकेंड, एंड देन फॉर अनदर 10 सेकेंड विल स्टार्ट लिफ्टिंग द स्पून. सो लेट्स स्टार्ट. Relax. और एक और है for your laughter line. You'll make a O. You'll keep your teeth inside and you'll make a O, and then we'll do a light massage. रिलैक्स. हर एक एक्सरसाइज आपको 3 बार करनी है और 10 सेकेंड्स के लिए 1 राउंड करना है. और अब पूना जी, कई बार हम देखते हैं कि हमारा नेक का पोर्शन, स्पेशली नेक का पोर्शन में बहुत जल्दी रिंकल्स हमें दिखती है, क्योंकि नेक की हमारी स्किन बहुत पतली होती है. सो फॉर दिस विल डू अ पोज कॉल्ड किस अस का. ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि जनरली हम क्या होता है नेक को भूल जाते हैं. जब हम ऐसे भी कुछ करते हैं तो हमने नेक को छोड़ देते हैं, फेस का तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन नेक के लिए भूल जाते हैं. तो ये आपने हमें बहुत अच्छा एक नेक को आप कभी भी इग्नोर ना करें. आप क्रीम लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप फेस और नेक को हमेशा ऊपर की तरफ, यू नो, यू शुड ऑलवेज पुट क्रीम एंड एवरीथिंग वट एवर यू पुट ऑन योर फेस. सो द लास्ट एक्सरसाइज इज किस द स्काई. हम ऊपर करके विल किस द स्काई. रिलैक्स. ये भी हम 3 बार करेंगे, और इस तरह से वी हैव कवर्ड फॉर हेड, आईज, लाफ्टर लाइन, चिक्स एंड नेक टू. राइट मुना जी? और मुना जी, इसके साथ मैं आपको कुछ ब्यूटी पॉइंट्स बताना चाहूँगी, और एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो प्लीज़ कीप योर आईज ओपन, और आप अपने ब्रेथ को होल्ड ना करें, आप सांस लेते रहें और हर एक्सरसाइज करें. एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट सम प्रेशर पॉइंट, ब्यूटी प्रेशर पॉइंट. द फोर्स इज यू विल कर्ल योर लिप्स इनसाइड एंड विद इंडेक्स फिंगर यू विल प्रेस इट विद अ मिडिल प्रेशर. ओके, मीडियम प्रेशर. रिलैक्स. नाउ ये दोनों आईब्रोज के बीच वाली पॉइंट मीडियम प्रेशर होना चाहिए. स्माइल ऑन योर फेस.
वैसे भी कहते हैं ये जो सेंटर पॉइंट है हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। यस मोना जी। एंड थर्ड, हमारे जो हमारे कान के पीछे जस्ट आफ्टर द बोन, हड्डी के ठीक नीचे वाला एरिया विद द मिडल आई मीन इंडेक्स फिंगर, आप सर्कुलर और एंटी सर्कुलर में 10 बार मसाज दें। या चेंज रिलैक्स। और द फोर्थ वन, या वी डिड विद द थ्री, नो द फोर्थ वन इज हमारा जो राइट थंब है इसको आप इस तरह से दबाएं, यहाँ मीडियम प्रेशर, एंड द लास्ट इज हमारा जो पाम है इसका एकदम बीचों बीच, हाँ जी, जस्ट प्रेस इट। रिलैक्स। वाओ नीलम जी, अभी आपने जो ये ब्यूटी पॉइंट्स बताए इससे सच में बहुत रिलैक्स हो रहा है, ये बहुत ही रिलैक्स। आप एवरीडे की, इट विल जस्ट टेक आई बिलीव आपका एक मिनट भी नहीं लगेगा मोना जी। और ये हम और मीडियम प्रेशर दीजिएगा, और बाकी आप जितने भी फेशियल एक्सरसाइज करते हो, फेस में जब कुछ प्रोडक्ट्स लगाते हो, मसाज करते हो, दैट शुड बी वेरी माइल्ड, बट दिस प्रेशर्स जो होते हैं उसमें आप मीडियम प्रेशर दें हमेशा। नीलम जी, एक मैं आपसे और बात पूछना चाहूँगी कि कुछ हमें ऐसे सिंपल से आप हमें तरीका बताएं जो हम अपने फेस पे जो हम क्रीम्स अप्लाई करते हैं तो बहुत बार क्या होता है हमें मालूम नहीं रहता है कि हम कुछ भी मूवमेंट्स में ले रहे हैं उसकी भी। नहीं, वेरी ट्रू मोना जी, अगर आप अपना आपकी टेक्निक ठीक हो तब वो आपके प्रोडक्ट्स और अच्छे काम करेंगे, और आप अगर उल्टा करें तो और रिंकल्स को आप इनवाइट करते हो फिर। हाँ जी, ठीक है मोना जी। सो फर्स्ट इज फॉरहेड, फॉरहेड के लिए जब भी आप कुछ प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप उस प्रोडक्ट को ऊपर की ओर ले जाएं और बाहर की ओर, देन आउटवर्ड्स अप एंड देन आउटवर्ड्स। अब इस तरह से नहीं करें, अंदर की ओर ना करें, ऊपर की ओर ले जाके देन आउटवर्ड्स। कुछ भी आप जब फॉरहेड में लगा रहे हो तो इट शुड बी लाइक दिस, अप एंड आउट, अप एंड आउट। एंड और एक और आप फॉर दिस फ्राउन लाइन जो होती है ना हमारी, उसके लिए आप एक फीस्ट बनाइए और इस तरह से अपने टेम्पल में हल्का सा प्रेशर दिए। वैसे हफ्ता में दो बार आपको अच्छा मसाज देना चाहिए, एक या दो बार अपने स्किन को, और जब आप रात में फेशियल ऑयल लगाते हो तब आपको ये सब स्टेप्स का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो अगेन विल बी डूइंग 10 टाइम्स एवरीथिंग। फर्स्ट आप फॉरहेड के लिए ये वाला दे रहे हो, ठीक है, सर्कुलर, एंड देन द फीस्ट वन विथ लिटिल प्रेशर ऑन योर टेम्पल। और इसके बाद नाउ फॉर द चिक्स, ये वाला एरिया में ना इस तरह काफ़ी रिंग जैसे बहुत सैगनेस आने लगता है, तो व्हाट विल वी डू, हमें ऊपर की ओर ले जाना है, तो वट एवर ऑयल यू अप्लाई, तो अभी मेरे पास ऑयल होता तो मैं आपको और अच्छे से बताती, बट एनी वे इसको आप ऊपर की ओर ले जाइए और ये स्किन को ऐसे कीजिए, इससे आपका लिफ्टिंग होगा आपके चिक्स के। ओके, सो वट एवर प्रोडक्ट जनरली ये ऑयलिंग के साथ यू डू दिस, ओके। और जब आप कोई क्रीम लगा रहे हो तो यू शुड डू दिस, बिग सर्कल यू हैव टू मेक, आप इस तरह से बड़ा सर्कल बनाइए एंड डोंट गिव मच ऑफ द प्रेशर, ओके। सो हमने चिक्स के लिए दो मसाज किए, एक है बिग सर्कल वी आर डूइंग, इट शुड बी अप एंड देन आउट, ओके। और सेकेंड वी डिड दिस वन, इसको ऊपर की तरह वी हैव टू लिफ्ट आवर चिक्स। इज इट क्लियर मोना जी? या ओके। और अब हमारी ये वाली जो चिन होता है ना, इसके लिए टू शार्पन इट, इट हैज टू बी लाइक दिस। और अगेन आपको मैं जो आईज के लिए बताई थी ना, वो 8 बनाना, जस्ट स्ट्रेच योर बिट एंड मेक 8, ये आप जरूर करें, जिस क्रो फीट के लिए ना बहुत बेनिफिशियल होती है इस तरह से 8। और आईज की एक और एक्सरसाइज का आप ध्यान, आई मीन हाउ टू अप्लाई प्रोडक्ट्स ऑन आईज, आप कभी भी आईज में कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, आप कुछ अंडर आई क्रीम लगा रहे हो या कुछ भी, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर आईज और आप उसको यहाँ तक ले जाओ, कुछ भी ऑयल लगा रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, ओके,
और हल्का सा इस यहाँ आप दबाएं, फिर ऊपर की तरफ। आप कभी ना इस तरह से या इस तरह से पूरा कंप्लीट रोटेशन आप कभी मत देना, इस तरह से आप कीजिए। एनीथिंग यू अप्लाइंग ऑन योर आईज। और उसके बाद नेक का तो इट्स वेरी सिंपल, वी जस्ट हैव टू गो अपवर्ड। एनीथिंग यू अप्लाइंग आप इस तरह से ऊपर की ओर लेके जाएं। और बस मोना जी यही सब है। और वेरी नाइस, मुझे तो लग रहा है कि आज हमने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है। और अगर हम इन टिप्स को अपने रेगुलर लाइफ में अगर डेली करते हैं तो मैं डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम बहुत इससे बेनिफिट होंगे और हम अपने स्किन को कुछ ही दिनों में मुझे हमें लगता है कि इसमें मिरेकल्स नज़र आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसे करना पड़ेगा, आपको डिटरमाइन होके इसे अपनी लाइफस्टाइल में लाना होगा। हाँ जी, बिकॉज नथिंग कैन हैपन ओवरनाइट, यू नीड टू हैव दैट कमिटमेंट एंड प्रैक्टिस यू नो टू सी द रिजल्ट्स। वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल योगा डे पे हमने आज आपको जो भी टिप्स दी है आप उसे ज़रूर अपनाएंगे और उससे आप लाभ उठाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस इंटरनेशनल योगा डे से आप अपनी शुरुआत करें फेशियल योगा से और इसका लाभ उठाएं। और अगर आपको इनसे ज़्यादा हमारे कुछ भी आपको बात करनी है या और भी प्रोडक्ट्स की जानकारी लेनी है या आप किसी और तरह के इनसे फेशियल टिप्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक, उसका जो नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप इनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज नीलम जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि वो उन्होंने हमें इस इंटरनेशनल योगा डे पे अपना समय निकाल के हमें इतने सारे टिप्स दे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। थैंक यू सो मच मोना जी फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।